वेलकम बैक टू कविज कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट और मेरी फेवरेट डिश लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स हमें दही लगेगा। मैंने यहाँ पे हंकड़ लिया है। हंकड़ बनाना बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ऑफ दही लिया है, जिसे एक मसलिन क्लॉथ में डालकर मैंने स्क्वीज कर लिया, उसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकाल दिया और फिर उसे 6 घंटे के लिए मैंने टांग के रख दिया। ये मेरा हंकड़ है। साथ ही में हमें इसमें जो मसाले लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी बता देती हूँ कि मसालों का प्रमाण हमने कम रखा है, इसीलिए क्योंकि मुझे दही के कबाब का जो एक्चुअल टेस्ट है वो हमें चेंज नहीं होने देना है, और साथ ही कबाब का जो कलर है बाहर से मसालों के कलर में ना चेंज हो जाए, इसीलिए मसाले कम डालने हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है, कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हो, मैंने भी 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, रोस्टेड जीरा पाउडर मैं यूज कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए है। पनीर लिया है मैंने, यहाँ हमें जितनी जरूरत होगी हम उतना ही पनीर इस्तेमाल करेंगे। ये आपके बनाने के वक्त ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना पनीर डालना है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 टेबल स्पून पनीर अभी इस्तेमाल करूंगी। और रोस्टेड बेसन भी मैं स्टार्ट में 2 टेबल स्पून ही डालने वाली हूँ। उसके बाद हम देखेंगे थिकनेस कितना है हमारे कबाब के पैटर का, फिर डिसाइड करेंगे कि और डालना है या नहीं। सॉल्ट एज पर द टेस्ट और हरा धनिया। ब्रेड क्रम्स मैंने एक्स्ट्रा यहाँ बना के रखे हैं, क्योंकि ये हमें कबाब के फ्राइंग के वक्त भी इस्तेमाल करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून पनीर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे हमारे सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। हरा धनिया, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ अपने हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे इस वक्त मेरा कबाब का जो ये मिश्रण है ये प्रॉपर लग रहा है। मुझे और बेसन या पनीर डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं लग रही। इस डन, अब मैं आपको स्टफिंग दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टफिंग बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज कैरेट को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। मैंने एक छोटा सा गोभी का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है और अनियंस को फाइनली चॉप करके ले लिया है। हमें जिंजर और ग्रीन चिली का यहाँ पे पेस्ट भी लगेगा और थोड़ा सा हरा धनिया लगेगा। सॉल्ट एज पर टेस्ट लगेगा और हमें ब्लैक पेपर भी लगेगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या करना है। ये जो हमारे स्टफिंग है इस पे हमें सॉल्ट डालना है थोड़ा सा ही, और इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन्हें हमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और ये स्टफिंग हमें इसमें डालकर इसका सारा पानी जो है वो स्क्वीज कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सारा पानी निकला है इसमें से। हमें इस तरह की स्टफिंग चाहिए जिसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट ना हो। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बहुत थोड़ा ही सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा ही डालना है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट भी डालने वाले हैं, इसलिए स्पाइसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा।
हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम इसमें स्टफिंग करते हैं। पहले मैंने लेकर इसे गोला बना लिया है। अब इसमें हम छोटी सी कैविटी करेंगे और इसमें थोड़ा सा हमारा स्टफिंग डालेंगे और इसे फिर से राउंड शेप कर दीजिए। आप कोई भी शेप कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो, बस स्टफिंग डाल के ये अच्छे से आपको पैक कर देना है। मैं आपको एक और स्टफिंग करके बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका दही का ये जो कबाब का बैटर है वो थोड़ा लूज हो रहा है, तो आप थोड़ा और बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टफिंग डाली इसमें, इसका अब हमें मुंह बंद करना है अच्छे से और फिर से इसे शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे कबाब रेडी है। अब हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करने से पहले फ्रिज में रखेंगे, फिर उसे ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लगभग 5 मिनट्स के लिए ये फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने बाहर निकाल लिया है और पहले हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। तेल अच्छा गर्म कीजिएगा, हमें इसके लिए बहुत गर्म तेल लगेगा क्योंकि हमें इसे अंदर से कुक नहीं करना है। बेसिकली हमें इसे सिर्फ आउटर लेयर, इसका आउटर कोटिंग जो है उसे कुक करना है। इन्हें हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें ऐसा कलर चाहिए। अब हमें टर्न करना है गैस, थोड़ा मैं फिर से यहाँ पे सिम कर रही हूँ। अगर आपका तेल बहुत अच्छा गर्म है तो हमें 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा एक साइड फ्राई करने के लिए और दूसरा 1 मिनट दूसरी साइड फ्राई करने के लिए। हमारे दही के कबाब फ्राई करके रेडी है।